तो राधे राधे गाइस, कैसे हो सारे। तो आज का व्लॉग, हम जा रहे हैं आज वृंदावन। तो आज हमारे राइड पार्टनर्स हैं एनी, यो यो इस सब पूरे अंजलि। ब्लॉग में अभी यो सुनते यो 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 रहे। यो यो बस तो अंजलि तो है ही है, शरीन को भी हम ले रहे हैं, और आज हमारे साथ चाची जा रही है और मोनिका भी जा रही है। तो आज अलग मजे आएंगे। राधे राधे, राधे राधे। हम सब तैयार हैं अब निकलने के लिए। हमने हमने सेम आउटफिट पहना है। कहाँ अंजलि, देखो हम सब राधे राधे की टी शर्ट लेके आए थे। सबने राधे राधे की टी शर्ट ली है। चाची तैयार है और हमारे साथ नई चाची भी है। हेलो चाची, ये भी आ गई। इसने भी हमारे जैसी टी शर्ट मांग लाई, पता नहीं कहाँ से। सो हम लोग तैयार है बस अब वृंदावन निकलने के लिए। हम लोग जा रहे हैं। बोलो किसने का नहीं है। लाल की जय। बोलो बाकी प्यारी लाल की जय। राधे राधे। तो हम लोग निकल चुके हैं अब बाकी बिहारी के जी के दर्शन के लिए। सक्सेसफुल हो वो एक एक बजे तक खुले, एक बजे तक किसी भी साढ़े बारह एक बजे तक पट खुले रहते हैं। तो उसके उससे पहले तक आपको पहुंचना होता है। मोनिका ने लेट कर दिया था बहुत ज्यादा। 11 बजे आइए वो, तो उसने लेट किया है। और गाड़ी में अगर विस्फोट हुआ अक्षय, तू ही करती है बेटा, तू ही है। तो हम जा रहे हैं, होप सो बरसाने की तरह यहाँ पे। अरे कितनी स्मेल करोगे। बरसाने की तरह यहाँ पे हमें नाकामी ना मिले, हमें दर्शन हो जाए। 11 बजे भी तैयार होके नहीं आई, बताओ। अभी भी सबसे ज्यादा इन्होंने लेट कराया था। मोनिका द डार्लिंग। चलो चलते हैं। चलो चलो चलो। बोला बाके बिहारी लाल की जय। तो गाड़ियाँ पहले ही रखवा ली जाती है, तो यहाँ से टेजिया जाती है। तो हम टेजी में बैठ चुके हैं, सारे जा रहे हैं। बाके बिहारी जा रहे हैं अब हम लोग। फिर उसके बाद सारे एक एक करके वहीं हैं सारे मंदिर, तो वहीं से दर्शन करते जाएंगे। चलो चलते हैं। हरे हरे रामा, हरे रामा रामा रामा। हम लोग उतर चुके हैं, हम सब जा रहे हैं। और हमने राधे राधे लिखवा लिया है, जिसमें हमारे साथ हमारे पास इतने सारे लोग आ गए कि हमें सबको पैसे देने पड़ेंगे। वुमेन तेरा पोज मेरे कम से नहीं। तो अब हम जा रहे हैं। ये एक्चुअली हमारा लंच है, तो हम लेके ये हमने नौकर लेके आई है। ये यहाँ की निशानी, ये यहाँ की निशानी, पर्सनल सेविका लेके आई। अरे यहाँ की निशानी तो दिखा, यही ना दिखाते रहे बंदरिया। यहाँ के बंदर गाइस, हम जा रहे हैं बाके बिहारी जी के दर्शन करने। यहाँ पे आओ तो चश्मा उतार के फोन पर्स में रख के जो मैं आ सको। मैं खुद अंधा होके चल रहा हूँ गाइस। चलो चलो राधे राधे बोलते रहो, आगे बढ़ते रहो। आज बाके बिहारी में काफी भीड़ है, आप देख सकते हो बहुत ज्यादा। चल 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 चल। बिहारी जी के बहुत प्यारे दर्शन हुए। उनकी मूर्ति इतनी मनमोहक है ना, किसी की नजर नहीं हटती उनके सामने से। भाई मैं लिटरली तब तक बैठी हूं, उन्होंने थप्पड़ मार के हटाया मुझे, घर जाओ। बहुत बहुत प्यारे दर्शन हुए हमारे। तो अब यहाँ से दर्शन करने के बाद हम कहाँ चल रहे हैं? प्रेम मंदिर लास्ट में चलेंगे। बोला बाके बिहारी लाल की जय। जैसे आप यहाँ से बाके बिहारी जी के दर्शन है, तो उससे जस्ट पहले ये पड़ती है, क्या क्या नाम है दुकान का? मुकेश शर्मा चाट लस्सी भंडार।
यहाँ की लस्सी जरूर पी के। ये लस्सी टेबल में आके बैठना मुझे रिकेप दे रहा है मेरे ब्लॉग्स का। तो इनकी लस्सी जरूर ट्राई करके जाना। चश्मा बचा के रखना, कुछ हुआ अभी आज का। गाइस अभी मेरा चश्मा बंदर लेके चला गया था और उसको हमें दो फ्रूटी देनी पड़ी है चश्मा छोड़ने के लिए। जिन बाबा ने छोड़वाया उनको और पैसे देने पड़े। तो अपने चश्मे का वो चश्मा आगे से भी नहीं लेके गया, यहाँ से ऐसे खींच के ले गया। और तो अपने देखिए मैं दूंगा रैपिड खींच के बंदर को जब लेके जाएगा बड़े एंड में। अरे अरे वो बंदर आ गया है, वो कहता रैपिड है ना। तो अभी हम लस्सी की बात कर रहे ना, जब इसका चश्मा ले गया इसका मुंह ऐसे छोटा सा हो गया। तो लस्सी जरूर ट्राई करना, बस ठीक है बाद में बात करते हैं। और गाइस अगर इसे चश्मा नहीं मिलता तो ये बिल्कुल रो जाने वाला था, मेरे पापा मुझे जिंदा गाड़ दे रहे गाइस। अभी अभी बनवाया था नया। तो गाइस अभी यहाँ पे पट बंद हो चुके हैं मंदिरों के क्योंकि 12 बज चुके हैं, बागी बिहारी के दर्शन हो गए। नानते हम जा रहे हैं निधिवन। कितने दूर भाई नानते? निधिवन यहाँ से 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर? हाँ जा रहे हैं, 3 किलोमीटर दूर है निधिवन, हम वहीं जा रहे हैं। तो वहाँ पे और क्या क्या चीज़ है भैया देखने की? राधा रमन जी है, राधा दामोदर जी, रंग जी है, गोपीश्वर महादेव है। तो मंदिर के तो पट खुले नहीं मिलेंगे अभी, सिर्फ वो ही मिलेंगे। निधिवन खुला मिलेगा बस, वो 7:30 बजे के बाद बंद हो जाता है निधिवन। ही चौं भैया पूरा दिन खुला रहता है ना। अच्छा शाम को बंद? कोई कहानी वहानी है निधिवन? अरे क्या बात है, बता ना भैया हमारी ऑडियंस को सुनाओ कोई कहानी। बिहारी जी वो जो अरे चुप हो जाओ कंजरों। अभी भी वहाँ रास होता है। अच्छा अभी भी जहाँ राधा रानी जो सिंहासन है उसमें श्रृंगार रखा जाता है। मतलब ऐसी मान्यता है कि वहाँ पे रात में राधा रानी जी और कृष्ण जी आते हैं और रास रचाया जाता है। अच्छा तो कभी कोई आवाज आई ऐसे रास वास की? आती है ना चनक चनक। अरे वाह, तो चलिए वहीं देखते हैं, वहाँ पे देखने के बाद और पता लगता है क्या है। भैया ने तो बताई जो स्टोरी होने का, क्या बता रही थी तू? यहाँ पे NDTV जो न्यूज रिपोर्टर है ना उन लोगों ने कैमरे भी लगाए थे। किस लिए? चेक करने के लिए। यहाँ की कुछ मनगढ़ंत तो नहीं है, पर वाकई में हकीकत में भगवान जी की यहाँ पे स्थापना है। तो बाद में जैसे भगवान जी आए वो सारी कैमरे अपने आप बंद हो गए थे, फिर उसके बाद में वैसा ही पाया जैसा हर रोज पाता था ना, उनकी पोशाक वगैरह सब बिखरी हुई थी और पूरा ऐसे माना गया था कि हाँ गुप्तियाँ आती है महाराज बताने के लिए। वाह, तो मतलब बहुत राधे राधे जी है हमारे साथ चले महाराज जी। राधे राधे। अपना नाम वगैरह बताइए हमें। लाला पंडित जी। लाला पंडित जी हैं, ये हमारे साथ चल रहे हैं, हमें निधिवन और आस पास के जितने भी मंदिर हैं इनके दर्शन करवाएंगे हमें और सारी कहानी वगैरह बताएंगे कैसे क्या रहता है। तो निधिवन जब जाओगे उससे जस्ट पहले एक मंदिर पड़ता है, ये टेढ़े खंबा मंदिर। क्या इसमें खंबे टेढ़े हैं क्या इसके? अच्छा कर ली। ओ नाइस नाइस, ये बंदर है गाइस। अरे भैया जोड़ जोड़ के बनाते हैं ना। अच्छा नहीं है ना खंभों में किसी में। एक में भी नहीं? वाह जोड़ नहीं है, जोड़ मतलब एक एक ही है, मतलब पूरा खंभा एक पत्थर है, कोई टेढ़े खंभे हैं तो और क्या। तो हम जब से क्या बोले थे टेढ़े खंभों का मंदिर, ये गाइस यहाँ पे बंदर बहुत है तो हमें बहुत सेफ्टी से एक वीडियो क्लिप शूट करनी पड़ रही है। ये निधिवन का रास्ता है, आ चुके हैं, ये एंट्री गेट है। हाँ शूज उतार के या तो अंदर है बने हुए केबिन, 2 रुपए पर शूज लेते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलो राधा रानी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। छोड़ दो जाने वाले, तो आज भी जो वृंदावन वृंदावन बोल के आते हैं, 500 वर्ष पहले इधर कुआ पाठशाला मंदिर धर्मशाला कुछ नहीं था। 500 वर्ष पहले वृंदावन तुलसी का जंगल था, बिंद्रा माने तुलसी हाँ। और जंगल माने वन, इसी का नाम पड़ा स्वयं बिंद्रा वन, वन से प्रकट हुए बिहारी, तो नाम पड़ा वृंदावन बिहारी। पंडित जी कथा कहते भागवत कहते कहे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ भगवान ने किसी का वध नहीं किया, यहाँ की है भगवान ने नीला, पहले नाथो कालिया नाथ फिर कियो बिहार। यहाँ भगवान नित्य विहार करते हैं, नित्य रास करते हैं। जिनको भगवान के ऊपर विश्वास है सब कुछ है, विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बांके बिहारी का दर्शन किया नहीं? जी हाँ कर क्या। बांके बिहारी का आखिरी नाम है कुंडली बिहारी। बांके माने क्या होता है? बांके छोटा नहीं टेढ़ा होता है।
केड़ा उनको बोलते केड़े बिहारी तीन तरह के बाकी किस्मन कटी लचक और बांके चरण रसाल और स्वामी श्री हरदास जी के बांके बिहारी लाल। तो बांके बिहारी जी है उनका नाम असली नाम है कुंज बिहारी जो घनघोर कुंजों में विहार करते हैं वो कुंज बिहार बांके बिहारी यहाँ नित्य रास करने आते हैं। जितने भी आस पास के लोग है ना जितने भी मकान वाले जो बने हैं इनके मकान में जाके पूछेंगे आप निजमन के पास रहते हैं आपको भगवान का दर्शन होता है कि नहीं क्या बतलाएंगे केवल बंसी और घुंघरू का आवाज आता है परंतु दिखाई किसी को जो देख लेता है वो भगवान का हो जाता है फिर वो संसार का नहीं रहता है। इतना बोलो राधा रानी की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय ताली बजा के हंस लो आहा जय हो राधे वृंदावन में हंसेगा और सदा घर बसेगा बोल राधे रानी की जय राधे राधे ये जन्म जन्मांतर खोखले है बने रहेंगे क्या ये देख लीजिए पूरा पेड़ खोखला दिख रहा है इसमें हाँ और ऊपर से हरा भरा है हाँ दिख रहा है हाँ हाँ कहते हैं ना बिंद्राव बन के वृक्ष को मरण न जाने कोई और डाल और पात पात के राधे सारे खोखले हैं अच्छा। ऊपर से हरे भरे हैं यही चमत्कार है राधा रानी का राधा रानी जी की कृपा ये कृपा है इन पर ये गोपियाँ हैं आज भी रात में गोपी बन जाती है दिन में झाड़ू अच्छा तो आज भी यहाँ पर ये है राधा रानी का निज महल इसको रंग महल बोलते हैं। यहाँ रोज रात को भगवान की सज्जा लगाई जाती है 7:30 बजे यहाँ उनकी सज्जा की तैयारी होती है जिसमें लोटा में पानी रखा जाएगा आज भी कटोरी में माखन मिश्री का पत्ता 4 लड्डू 2 पान के गुजरा 2 दाटन 16 सिंगार उसके बाद में 7 ताली लगती है 7 ताली सुबह आपके साथ ये वो रंग महल यही सुबह दिखलाया जाता है एक एक करके दिखलाते दांत भी दिखलाते पान दिखलाते सारी चीजें दिखलाते राधा रानी की जय आजा आजा ये चाहिए गाइस ये सारी वो समाधियाँ हैं जिन्होंने भगवान के दर्शन किए थे रास करते वक्त तो कोई लंगड़ा हो गया कोई लूला हो गया कोई कुछ क्या हो गया तो ये उसको मोक्ष प्राप्त हो गया वो भगवान का हो गया तो ये सभी उनकी समाधियाँ हैं जहाँ बनी हुई है। वाह आए थे जो वृंदावन को बोलते हैं गोलोक धाम कौन सा धाम बोलते हैं साइड आते आ जाओ पंडित जी ये नाम लिखे किसके आप लोगों के ऐसे भगत लोगों के अच्छा अरे वाह तो हम कहाँ से लिखवा सकते हैं पंडित जी ये हर भाषा है जिन्होंने डोनेट किया है ना अच्छा वृंदावन में जो शरीर से बात नहीं कराते वो नाम से बात कराते हैं अच्छा। वृंदावन में नाम लिखा पे जन्म जन्म को दुख नहीं पावे अंतकाल बैकुंठ को जावे कुंज गली कितने मिनिमम कितने तेरा घर जाएगा उसमें बोलो मारे यही है नंद भवन प्राचीन नंद भवन यह है नंद भवन श्रीन राधे 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 थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो थैंक यू सो मच इसका पार्ट 2 जल्द ही लाइक 1 या 2 दिन में ज़रूर आ जाएगा इससे ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा 1 या 2 दिन मैक्स है पार्ट 2 ज़रूर देखना ये पार्ट शेयर करो सभी के साथ लाइक करो शेयर करो कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या चीज़ अच्छी लगी कुछ नया देखने को या जानने को मिला हो तो ज़रूर बताना मुझे एंड पार्ट 2 ज़रूर देखना मैं जल्द से जल्द लाऊंगा पार्ट 2 ज़रूर देखना।